पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, साथ ही भूमिहीन मजदूरों के कर्ज भी माफ होंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार कर्जदार किसानों के खातों में 2000 करोड़ रुपए जमा करवाएगी। ये रकम अगले 10 से 15 दिन में पहुँच जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने श्री भगवत गीता और रामायण पर अध्ययन केंद्र स्थापित करने का भी फैसला किया है। ये अध्ययन केंद्र पटियाला में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजकल पंजाबी संगीत और फिल्म की विरासत को बचाने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म और टेलीविजन काउंसिल बनाने का फैसला लिया गया है, जिसका गठन 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज होने की राजनीति से प्रेरित होने के आरोपों को CM चन्नी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है और ना ही इसके पीछे कांग्रेस है। ये मामला साल 2013 में सामने आए सिंथेटिक ड्रग तस्करी के मामले के आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ इससे पहले इसलिए कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके रिश्तेदार थे। CM चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार के लिए ये एक बड़ी लड़ाई है। पंजाब में नशे की तस्करी में कुछ बड़ी ताकतें संलिप्त हैं जिनके खिलाफ हमें एक चट्टान के रूप में खड़ा होना होगा ताकि पंजाब के युवाओं को नशे के गर्त में जाने से बचाया जा सके। कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, हमें किसी की परवाह नहीं है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं सरदार भगत सिंह से प्रेरणा लेकर इस ओर कदम बढ़ा रहा हूँ।